not in the position that we can have, in that we can claim that we are in an equal society. So as Sanya told me to discuss, to be bilingual, so I'll try to discuss things in English, in Hindustani. So first of all, when we say gender, when we say like feminism, when we say patriarchy, when we say equality, so we have a number of terms. But what is the situation around us? That is the like entirely different thing. तो कुछ चीजों के बारे में अगर हम बात करें, लाइक अगर हम देखें कि मैं कुछ फैक्ट्स, मैं कुछ डेटा के बारे में बात करूंगी और उसके बाद मैं जो है वो डायरेक्टली अपने जो है वो बात पे आना चाहूंगी. लाइक अभी इंडिया में 48.1% वुमेन है, ठीक है. लेबर फोर्स में हम बोलते हैं कि वी आर वर्किंग वुमेन, बट इन लेबर फोर्स वी आर ओनली 19%. लाइक जो एक ऑर्गेनाइज लेबर फोर्स है उसमें सिर्फ 19% जो है वो वुमेन है. अगर हम अपने यहाँ फार्मर्स की बात करें, 74% जो वुमेन है वो वहां पे एज ए लेबरर काम कर रही हैं. बट अगर हम जमीन पे, लैंड पे उनके राइट्स की बात करें, यानी लैंड राइट की बात करें, तो लैंड राइट में सिर्फ 9% वुमेन है जिनके पास उनकी जमीन, यानी उनके लैंड के राइट्स हैं. अदरवाइज जो 74% वुमेन है वो काम तो कर रही है बट उनके पास राइट्स नहीं है. तो ये जो पूरा एक सिनेरियो, अगर हम जजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक एक भी चीफ जस्टिस इंडिया में वुमेन हुई नहीं है. तो ये बहुत आयरोनिकल है. और इन सारे डेटा और सारे फैक्ट्स के अराउंड, इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज जेंडर, इट इज अगेन लाइक प्रॉब्लमैटिक. क्योंकि हम दो तरह के जेंडर्स की बात करते हैं जनरली, लाइक ट्रांसजेंडर्स और LGBTQ कम्युनिटी की बात तो हम करते ही नहीं है. पर दो जिन जेंडर्स की हम बात करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, अगर हम उनको देखें तो इट इज वेरी क्लियर कि वो जेंडर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड है. पहली चीज तो ये कि हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स. तो सेक्स इज समथिंग दैट इज बायोलॉजिकल. सो द आइडेंटिटी दैट यू गेन फ्रॉम योर बायोलॉजी, कि आपको आपके जेनिटल जो पार्ट्स हैं उनके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि यू आर अ मेल और फीमेल. बट जेंडर इज समथिंग दैट इज socially constructed. So it's a socio-cultural identity that is assigned by the society to you. कि आप एक लड़की हैं, so you have to wear this. आपको एक लड़की की तरह socially construct किया जाएगा. Then you have to behave like a girl. तो आपको basically, जैसे कि हमारी बहुत famous जो French feminist है Simone de Beauvoir, कहते भी हैं कि we are not born women. हमें सोसाइटी वुमेन बनाती है. तो वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर्स है वो समझना होगा. लाइक हम मेल या फीमेल पैदा होते हैं सेक्स के तौर पर, बट एक जेंडर के तौर पर हमें मेल और फीमेल बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन को अगर हम सीधे आसान शब्दों में बोले तो आपकी जो परवरिश है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, That decide कि आप आगे चलकर एक मेल की तरह बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू द societal parameters, or you'll be behaving like a female. So it is very important that society always construct you. आप मेल फीमेल सिर्फ जो है वो सेक्स जो है वो आपको आपकी बायोलॉजी से मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, बट द सोसाइटी ऑलवेज कंस्ट्रक्ट यू एज अ मेल और फीमेल जेंडर, ठीक है. उसके बाद उस पूरे कंस्ट्रक्शन में, मतलब जब आप पैदा होते हैं, जब आपकी बर्थ होता है, वहां से लेकर और आपके एंड तक, जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, उस पूरे प्रोसेस में आपको तैयार किया जाता है, आपको बताया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, दैट यू आर अ मेल एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, एंड इफ यू आर अ फीमेल सो यू हैव टू बिहेव लाइक दिस. For example, हम सारे लोगों ने अपने बचपन में face किया है कि we have different kind of like खिलौनास, हमारे toys दूसरे थे, we have different kind of like clothes, हमारे कपड़े दूसरे थे, और पैदा होते के साथ ही society हमें like एक बहुत famous feminist है, इनका नाम है
बटलर, जुडिथ बटलर, वो ये बोलती हैं अपनी किताब जेंडर ट्रबल में कि दैट द डॉक्टर असाइन फर्स्ट टाइम, वो उनका कहना ये है कि ये जो आइडेंटिटी है ये हमें हॉस्पिटल में ही जो है वो असाइन कर दी जाती है कि आपका लड़का हुआ है. ठीक है, उनको बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लड़का हुआ है. लाइक वो डॉक्टर आपको बता रहा होता है कि आपके घर में एक बॉय हुआ है तो यू हैव टू सेलिब्रेट. और अगर वो लड़की हुई तो हाँ लड़की हुई है, लाइक हाँ ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब ठीक है, मतलब इतना कोई सेलिब्रेट करने का बात नहीं है. तो राइट फ्रॉम द लाइक मेडिकल साइंसेस और सोसाइटी और एकेडमिक्स, आप कहीं से भी उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारा कंस्ट्रक्शन है अराउंड द सोसाइटी, अराउंड द मेल एंड फीमेल, ये बहुत प्लान्ड वे में कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और इस कंस्ट्रक्शन, अब सवाल ये होता है कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये जो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हमें मेल या फीमेल बनाया जाता है, अगर इसको बहुत बारीकी से देखें तो इसमें एक चीज है, उसको बोलते हैं पेट्रियार्की. सवाल ये उठता है पेट्रियार्की क्या है. तो पेट्रियार्की को अगर हम अगर पेट्रियार्की को अगर हम बहुत ओपनली समझने की कोशिश करें तो पेट्रियार्की दरअसल क्या है, इट्स अ रूल ऑफ फादर. इफ there's a male who is heading the family, so it is called patriarchy. हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो 99.9% वो मेल हेडेड फैमिली है. उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है वो फादर है, जो घर का मुखिया है वो पिता है. उनके हिसाब से फैमिली में डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, उनके हिसाब से फैमिली चलती है. वो ही हर एक इम्पॉर्टेंट और मतलब छोटे से छोटा डिसीजन और बड़े से बड़ा डिसीजन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली यानी हमारे फादर लेते हैं. तो पेट्रियार्की क्या है, दरअसल पेट्रियार्की का जो अगर हम बहुत सीधा सा मतलब देखें तो ये रूल ऑफ फादर है, रूल ऑफ मेल है. घर में पिता का पावर, घर में पिता की सत्ता, उस वो ही डिसाइड करेगा कि किस तरह से घर चलना है. पेट्रियार्की अपनी डेफिनेशन में इस तरह से आती है, लेकिन अगर हम पेट्रियार्की को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, पेट्रियार्की को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर देखने की कोशिश करें तो पेट्रियार्की कोई ऐसी बहुत कॉन्क्रीट चीज नहीं है, ये बहुत डिस्पर्स्ड है. पेट्रियार्की कहाँ से आती है, पावर से. पेट्रियार्की के पीछे क्या है, पावर. पावर क्या है, वॉट इज पावर. सो अकॉर्डिंग टू फूको, फूको बोलते हैं पावर क्या है, पावर एक बहुत डिस्पर्स चीज है, परवेसिव है. वो बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेब ऑफ पावर. पावर बहुत छोटी छोटी चीजों में है. अब पावर क्या होता है, जैसे कि पेट्रियार्की की अगर हम बात करें, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, वो फादर है. यानी मदर हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, मदर के ऊपर फादर है, बच्चों के ऊपर फादर है, यानी सबके ऊपर फादर. यानी फादर के हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पावर है वो पेट्रियार्की को रेगुलेट करता है. ठीक है, अब जहां पावर आती है वहां कोई लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कोई लोग लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और जब इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट के बीच में एक एक, एक जगह बनती है तो उसको बोलते हैं गैर बराबरी. और उस गैर बराबरी से क्या निकलती है, वायलेंस. अब हम बोलेंगे वायलेंस क्या है, तो अगर हम एक एसएनजीटी यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इन लाइक इफ यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन अदर वन विदाउट लाइक थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोर्शन. आप जबरदस्ती जब आप किसी के ऊपर अपनी इच्छा को थोपते हैं, अपने विल को थोपते हैं, इट इज कॉल्ड वायलेंस. ये भी वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जाकर किसी को चाटा मार दें, आप किसी को गाली दे दें, आप किसी को अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आप उनको जो है कुछ ऐसे फेस एक्सप्रेशन दें, सिर्फ ये वायलेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो जीन्स पहनूँ और मुझे कोई बोलता है कि नहीं आपको शलवार कमीज ही पहननी है या आपको साड़ी ही पहननी है, और वो मुझे ये जबरदस्ती करने को बोल रहा है कि नहीं आपको साड़ी ही पहननी है, आप जो है वो जीन्स या दूसरे कपड़े वेस्टर्न वेयर्स नहीं पहन सकती, तो इट्स अ काइंड ऑफ वायलेंस. ये मेरे साथ एक वायलेंस हो रहा है. अगर आप इस डेफिनेशन के साथ हमारी सोसाइटी को देखने की कोशिश करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी कितनी ज्यादा पेट्रियार्कल है, कितनी ज्यादा जो है वो पावर प्रैक्टिस करती है अपने हर एक इंस्टीट्यूशन में, अपने हर एक इंस्टीट्यूशन में. और ये इतना मल्टी लेयर्ड है, ये इतना लाइक ये इतना बारीकी से होता है कि आप इसको समझ भी नहीं पाते. लाइक मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ. जैसे आपने कुछ चीज सुनी होंगी कि हाँ ठीक है, मतलब विमेन क्या होती है, अगर आप बोले कि विमेन क्या होती है,
और बोलेंगे होम मेकर, सॉफ्ट, इमोशनल, ठीक है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है वो, ठीक है, ब्यूटिफुल, ठीक है, शी हैज टू बी ब्यूटिफुल, मेकअप इज एसोसिएटेड विद द विद 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 ठीक है, अगर आप बोले मेल तो आप बोलेंगे कि मेल मतलब डायनेमिक, फिजिकली स्ट्रांग, हाँ, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, अर्निंग, मतलब उसे अर्निंग जुड़ा हुआ है, वो अर्निंग करता है, ही कैन अर्न, और लाइक अगर आपको बोले कि अच्छा घर, तो आप अगर आपको बोले कोई होम, हाउस, घर, उसके साथ आप क्या अटैच करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे फीमेल, ठीक है, अगर आपको कोई बोले पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, ऑफिस, पान की दुकान, चौराहे, उनके साथ आप एसोसिएट करेंगे मेल, ठीक है, मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उनको एसोसिएट करेंगे। ऐसे ही आपको ये समझना होगा कि आपके दिमाग में जब ये चीज, जैसे मैंने बोला कि घर, आपके दिमाग में आया फीमेल, आपके दिमाग में ये अभी नहीं आया है, आपने ये पढ़ा नहीं है कहीं, आपने ये सीखा है थ्रू योर सोशलाइजेशन, योर सोशलाइजेशन टॉट यू टू बिहेव लाइक अ फीमेल, आपकी सोशलाइजेशन ने आपको बताया इफ यू आर अ मेल दैट यू कांट क्राई, इफ यू आर अ मेल you can't apply powder on your face. So, एक बहुत, मैं आपको बताऊँ, एक बहुत famous किताब है जिसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको मौका मिले तो, the book is, the title of the book is Beauty Myth and it is by Naomi Wolf. Naomi Wolf एक feminist है and the book is all about beauty. And she's saying in the book, like, she's saying, वो hero heroine की concept के through, she's like defining the genders. तो वो बोल रही है कि जो हीरो है थ्रू आउट द प्रोसेस द हीरो इज कंप्लीट द हीरो इज डायनेमिक ही इज एवर चेंजिंग ही इज क्रिएटिव ही इज कंस्ट्रक्टिव ही कैन चेंज एनीथिंग हाँ एंड एट द सेम टाइम द हीरोइन शी इज बोरिंग शी इज स्टैगनेंट शी इज शी कांट चेंज एनीथिंग शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज ब्यूटिफुल तो यानी नियोमी वुल्फ ये बोलती है कि हीरोइन को हमेशा ही मेकअप की जरूरत होती है जबकि हीरो या मेल अपनी किसी भी स्टेज में लाइक इफ ही इज अ बॉय इफ ही इज अ मैन और अगर वो एक एल्डरली है उनको अपनी जिंदगी की किसी भी स्टेज में मेकअप की जरूरत नहीं होती वो जहां भी हैं जब भी हैं जैसे भी हैं ही इज ऑलवेज कंप्लीट उनको कंप्लीट नहीं करना पड़ता वो कंप्लीट होते हैं जबकि जो वुमेन है वो उसके शी हैज अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑल द टाइम हाँ देयर शुड बी प्रॉपर लाइक दिस थिंग लाइक प्रॉपर फेस प्रॉपर मेकअप अगर कहीं पे कुछ गंदा है तो, मतलब अगर लाइक तो उसको आप छुपाएं जो एक कलर का पूरा एक परसेप्शन है जो गोरेपन का और तो वुमेन अपनी जिस भी स्टेज में है शी इज इनकम्प्लीट इट इज बिलीव दैट शी इज इनकम्प्लीट by the patriarchy and she has to complete herself so in the process of completeness she always try to impose so many things on her face she experiment with her body she experiments with her clothes she always try to look feminine main ye nahi keh rahi hu ki like dusre gender pe ya male ke upar masculine dikhne ka pressure nahi hai they also have pressure of looking like to behave like a मैन जो एक उनके अंदर जो मर्दानगी है जो मैनलीनेस है जो एक स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट हाँ अगर मान लीजिए हमें कुछ हर्ट होता है बीइंग अ वुमन वी कैन क्राई बीइंग अ वुमन वी कैन एक्सप्रेस बीइंग अ वुमन वी कैन नैरेट इफ वी गेट चांस बट इफ देयर इज अ मेल देयर इज अ मैन बीइंग अ मैन ही इज नॉट अलाउड टू क्राई He is not allowed to share. We always expect that he has to be strong. जैसे आपने कई बार सुना होगा जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और लड़का होता है और वो रोता है तो हम लोग घर में घूम बोलते हैं कि क्या तुम ना लड़की की तरह रो रहे हो क्या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो क्या तुम्हें लग रहा है कि मतलब तुम इतने भी कमजोर हो कि तुम रो रहे हो तो एट द टाइम ऑफ दिस फीलिंग आप उनको ये रियलाइज कराते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू क्राई They are not allowed to express their feelings. तो वो जो masculinity है जो हमने construct की है अब हम थोड़ा सा अगर ये देखें femininity और masculinity क्या है femininity क्या है femininity so always जब भी हम दो चीज कभी भी किसी चीज को हम दो मतलब dichotomy में बांटते हैं ना दो
खाँचों में बांटते हैं ना, इट इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज उन दो डायकोटॉमी के बीच में हम एक को अच्छा और एक को बुरा बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी से डार्क सो वी हैव टू से लाइक लाइट, ब्लैक वाइट, स्ट्रॉन्ग वीक, फेयर डार्क, इमोशनल स्ट्रॉन्ग. सो वी ऑलवेज ट्राई टू सी द वर्ल्ड थ्रू लाइक टू लाइक एक्सट्रीम्स. हम हमेशा ही दुनिया को दो एक्सट्रीम पोजिशन में देखने की कोशिश करते हैं, है ना. वी ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर द ग्रेनेस ऑफ द सोसाइटी. तो जब भी हम बोलते हैं फेमिनिन तो वी हैव दिस मैस्कुलिन. तो अब उसमें क्या हम करते हैं, लाइक डार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर समथिंग लाइक बैड, और जब हम वाइट बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि समथिंग लाइक हम रोशनी की तरफ बढ़े, लाइक समथिंग पॉजिटिव इट इज लाइट और दिस वाइट और दिस पीसफुल. वैसे ही जब हम बोलते हैं मैस्कुलिन तो वी रिप्रेजेंट समथिंग स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट, लाइक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, लाइक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग, पोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग फेमिनिन. सो वी ऑलवेज टेक फेमिनिन एज अ लेस इम्पॉर्टेंट, नॉट लाइक